चलिए, सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस लेक्चर. तो टुडे वी विल डिस्कस इन अ लिटिल बिट डिटेल दैट व्हाट इज द कंट्रोल फाइल एंड व्हाट इज द यूज ऑफ कंट्रोल फाइल एंड व्हाई वी शुड नीड टू मल्टीप्लेक्स द कंट्रोल फाइल एंड व्हेन वी विल मल्टीप्लेक्स द कंट्रोल फाइल हाउ इट विल वर्क्स एंड व्हाट आर द मेथड हाउ and when we can multiplex the control files and then obviously we can also create or multiplex the control file by using the GUI mode as well, and then more importantly we can manage the control file by using OMF and without OMF. So ye ab aapko thoda sa clearly understand karna chahiye के विद ओएमएफ और विदाउट ओएमएफ उसमें क्या डिफरेंस आएगा उसको हम डिस्कस करेंगे. एंड देन ऑब्वियसली वी कैन ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंट्रोल फाइल बाय क्यूरिंग द कंट्रोल फाइल. तो उसको हम क्यूरी कर सकते हैं. अच्छा, अगर हम बात करें तो कंट्रोल फाइल इज एक्चुअली स्मॉल बाइनरी फाइल. तो इट इज ऑब्वियस दैट डायरेक्टली वी कैन नॉट रीड द एंड वी कैन नॉट अंडरस्टैंड द कंट्रोल फाइल, बट वी कैन ऑलवेज क्यूरी द कंट्रोल फाइल बाय द सेलेक्ट स्टेटमेंट एंड देन वी कैन यूज दैट इंफॉर्मेशन. सो द बिकॉज दिस इज अ बाइनरी फाइल सो दिस विल बी क्रिएटेड एंड मेंटेन अपडेट एंड राइट एंड रीड ओनली बाय द ओरेकल सर्वर ऑल द टाइम. ठीक है, तो इसको ओरेकल सर्वर जो है वो मेंटेन भी करेगा, और अगर उसमें कोई आप चेंज करेंगे, आप वैसे कोई चेंज करेंगे अपनी डेटाबेस की स्टेट को चेंज करेंगे या डेटाबेस के पैरामीटर्स की वैल्यूज को चेंज करेंगे, तो इन दैट रिस्पांस द ओरेकल सर्वर विल ऑब्वियसली चेंज द कंट्रोल फाइल कंटेंट्स. ठीक है, एंड वी कैन एक्चुअली क्यूरी दैट कंटेंट्स बाय द सेलेक्ट स्टेटमेंट. और इसको नॉर्मली जो कंसिडर किया जाता है कि कंट्रोल फाइल विल डिफाइन द करंट स्टेट ऑफ द फिजिकल डाटा बेस. तो जो आपकी कितनी टोटल नंबर ऑफ डाटा फाइल्स हैं, रीड लॉग फाइल्स हैं, अगर आपने आर्काइविंग ऑन की हुई है तो आर्काइव जोन से है वो किस रीड लॉग फाइल के अगेंस्ट कौन सी आर्काइव लॉग फाइल क्रिएट हुई, एंड द करंट स्टेट ऑफ द डाटा बेस के आपकी डाटा बेस जोन से ना, देखिए हर डाटा बेस है ना उसको एक SCN नंबर कहते हैं, उसको SCN सिस्टम चेंज नंबर वो साइन किया जाता है. तो जब भी आपकी डेटाबेस को अपडेट करते हैं, उसको चेंज करते हैं, तो वो उसका SCN नंबर चेंज हो जाता है कि जी इस टिल दिस कह लें कि चेक पॉइंट फायर तक जो है ना वो आपकी डेटाबेस अप टू डेट है, एंड दैट SCN नंबर विल बी रिटन इन द हेडर्स ऑफ द कंट्रोल फाइल्स एंड आल्सो इन द सॉरी हेडर्स ऑफ द डेटा फाइल्स and also in the control file. तो क्योंकि जब भी अगर आप किसी वजह से भी आपका सिस्टम क्रैश कर जाए, तो from where the Oracle server will come to know that which portion should be need to perform recovery from the SCN number. तो वो जो last SCN number होगा, it means कि उस SCN number तक आपकी database जो है वो fully synchronized है with your instance and the डेटा फाइल्स. तो उससे ऑनवर्ड जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगी, ठीक है, आफ्टर द लास्ट स्टोर्ड SCN नंबर के बाद तक जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगी, दोज मस्ट बी नीड रिकवरी व्हेन यू विल ट्राई टू ओपन द डेटाबेस. तो ये भी एक उसका क्राइटेरिया, दैट इंफॉर्मेशन विल बी स्टोर्ड इन द कंट्रोल फाइल. अच्छा, मेंटेन्स इंटेग्रिटी ऑफ द डेटाबेस. तो जो इंटेग्रिटी के जितने कंस्ट्रेंट्स होंगे वो सारे भी जो है वो आपकी कंट्रोल फाइल में स्टोर होंगे. और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जब हमने डिफरेंट स्टेट्स की थी डेटाबेस की, तो डेटाबेस आपकी थी शट डाउन स्टेट से, फिर नो माउंट से माउंट स्टेज, और माउंट से आपने ये आपने बल्कि एज असाइनमेंट भी की है, और फिर आप डेटाबेस को ओपन करते हैं. तो ये आपको पता है कि एट माउंट स्टेट यू नीड कंट्रोल फाइल मस्ट बी अवेलेबल फॉर द ओरेकल सर्वर, क्योंकि वो नो माउंट से माउंट स्टेज में जब जाएगा तो ओरेकल सर्वर विल नीड टू रीड द कंट्रोल फाइल. ठीक है, तो जिधर से वो डेटाबेस की
स्टेट, उसकी फिजिकल स्टेट्स, ठीक है, उसकी इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स और ये सारी चीजें रीड करेगा तो, और फिर जो सा वो आपकी डेटाबेस माउंट स्टेट में जाएगी। तो अगर किसी वजह से आपकी कंट्रोल फाइल डैमेज हो रही है, ठीक है, और अनअवेलेबल हो टू द ओरेकल सर्वर, तो फिर सिंपल सी बात है कि योर डेटाबेस कैन नॉट बी ओपन फ्रॉम नो माउंट टू माउंट स्टेट। तो आपकी वो माउंट नो माउंट स्टेज में वो एरर दे देगी कि ये डेटाबेस कैन नॉट बी ओपन टू माउंट स्टेज ड्यू टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द कंट्रोल फाइल। तो किसी भी वजह से वो हो जाए तो फिर फर्स्ट यू हैव टू रिकवर द कंट्रोल फाइल एंड देन यू कैन ओपन योर डेटाबेस इनटू माउंट एंड देन इनटू द ओपन स्टेट। और इसलिए टू ऑपरेट द ओरेकल सर्वर, टू ऑपरेट द डेटाबेस, कंट्रोल फाइल मस्ट बी अवेलेबल ऑल द टाइम फॉर द ओरेकल सर्वर, ठीक है, ये मैंडेटरी होता है। और एट अ टाइम आप किसी भी डेटाबेस को किसी एक कंट्रोल फाइल के साथ जो उनसे वो लिंक कर सकते हैं। तो अच्छा, जब आप क्रिएट डेटाबेस की कमांड देते हैं तो इनिशियली तो उसमें जितने भी पैरामीटर्स होते हैं, लाइक आपने मैक्स लॉग फाइल्स, मैक्स रीड लॉग फाइल्स, मैक्स इंस्टेंस, मैक्स डेटा फाइल्स, तो ये सारे जो पैरामीटर्स हैं दे विल एक्चुअली इफेक्ट द साइज ऑफ द कंट्रोल फाइल। क्योंकि जिस जो उसमें इन आप पैरामीटर्स में वैल्यूज आप देते जाएंगे तो दीज वैल्यूज विल आल्सो बी रिटन बाय द ओरेकल सर्वर इन द कंट्रोल फाइल। तो इसलिए जो आंसर है, इनिशियली द साइज ऑफ द कंट्रोल फाइल विल अफेक्ट बाय द क्रिएट डेटाबेस कमांड एंड इन द क्रिएट डेटाबेस कमांड पर्टिकुलरली बाय गिविंग द मैक्स लॉग फाइल्स, मैक्स रीडू लॉग फाइल्स, मैक्स डेटा फाइल्स और मैक्स लॉग हिस्ट्री। तो ये सारे जो पैरामीटर्स हैं इनकी एंट्रीज के ऊपर जो उसका साइज जो आंसर है वो अफेक्ट करेगा। दिस इज द कंटेंट्स ऑफ द कंट्रोल फाइल, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट मतलब सिर्फ यही कंटेंट्स नहीं है, ये जस्ट एज अ एग्जाम्पलरी जस्ट टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द कंट्रोल फाइल वो दिए गए हैं कि उसके कंटेंट्स क्या होंगे। तो डेटाबेस का नाम एंड आइडेंटिफायर, ठीक है, नाम जो उनसे है ना वो दो तरह से आप देते हैं। एक आप क्रिएट डेटाबेस के जब कमांड देते हैं तो उस वक्त भी आप डेटाबेस का नाम दे सकते हैं, या फिर ये है कि आप पी फाइल के अंदर, ठीक है, पैरामीटर फाइल के अंदर आपने डीबी अंडरस्कोर नेम के नाम से अपनी डेटाबेस का नाम दिया था, तो वो जो उनसे है वो दैट विल आल्सो नेम विल आल्सो बी रिटन इन द कंट्रोल फाइल, ठीक है, और वो उसका आइडेंटिफायर होता है। आइडेंटिफायर उसका एसईएन नंबर भी होता है और नेम भी होता है। तो एसईएन नंबर जो उनसे वो स्टेट टू स्टेट जो उनसे वो उसको असाइन किया जाता है। टाइम स्टैम्प ऑफ द डेटाबेस क्रिएशन, कि जब आप फर्स्ट टाइम व्हेन यू विल क्रिएट द डेटाबेस दैट टाइम स्टैम्प विद द डेट एंड टाइम विल बी आल्सो रिटन इन द कंट्रोल फाइल, ये इम्पोर्टेंट है। और फिर जो है वो टेबल स्पेस नेम्स, तो जितने भी आप टेबल स्पेसेस क्रिएट करेंगे और उसमें फाइल्स ऐड करेंगे उनकी लोकेशन, उनका नाम और उनके जो है नंबर ऑफ फाइल्स दैट विल बी रिटन इन द टेबल स्पेस नेम and then the name and location of the data files and read log files। तो जो भी आपकी data files होंगी उनकी location भी और read log files की location भी जो है वो इसके अंदर होगी, written होगी control file के अंदर। और current log file sequence number, अच्छा ये जो log files हैं इनको हम detail में, ये आगे next unit में आ जाएगा कि ये कैसे काम करते हैं। तो देखें, हमने उस वक्त भी लास्ट टाइम मैंने कहा था कि देयर मस्ट बी नीड टू एट लीस्ट रीडू लॉग ग्रुप्स फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द ओरेकल सर्वर। तो वो क्या करते हैं, लेट्स सपोज एक लॉग वन, एक ग्रुप वन है और एक लॉग ग्रुप टू है, तो वो वन के ऊपर लिखना शुरू करेगा, जब वो फुल हो जाएगा तो वो शिफ्ट कर देगा लॉग टू के ऊपर। इसको कहते हैं लॉग सीक्वेंस नंबर चेंज। तो every time when the change will be occur it will assign a new number that is called sequence log sequence number to that group।
तो वो उसको एक लॉग सीक्वेंस नंबर करेगा, लाइक आपका एक ग्रुप वन है ग्रुप टू है, और वन को उसने वन किया, और जब वो शिफ्ट करेगा टू तो टू को लॉग सीक्वेंस नंबर उसने टू कर दिया, और अगर फिर वो फुल हो गया तो जाहिर है वो वापस आएगा वन के ऊपर और उसको रीराइट करेगा, तो फिर उसको लॉग सीक्वेंस नंबर क्या साइन करेगा, थ्री, और इसी तरह फिर जब वो फुल हो जाएगा तो वो वापस जाएगा सेकंड के ऊपर, तो उसको फिर लॉग सीक्वेंस नंबर वो साइन करेगा फोर, इस तरह जो है वो, तो करंट लॉग सीक्वेंस नंबर विल आल्सो बी रिटन इन द कंट्रोल फाइल। तो उसका पर्पज ये होता है कि उससे पता चलता है कि इस वक्त आपका किस लॉग सीक्वेंस में जो सा वो डाटा राइट किया जा रहा है, ठीक है। तो अगर आपको रिकवरी की जरूरत पड़े तो फिर वो उसको डिटरमिन कर सके कि फ्रॉम वेयर द रिकवरी शुड स्टार्ट, तो इसलिए वो लॉग सीक्वेंस नंबर जो सा, तो इसको हम डिटेल में उधर करेंगे, तो अभी क्योंकि इधर आ रहा है तो वो मैंने थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, चेक पॉइंट इन्फॉर्मेशन देखें, चेक पॉइंट मैंने आपको बताया था कि ये पूरा एक प्रोसेस है, जब भी आप चेक पॉइंट फायर करते हैं तो एक पूरा एक सर्कल चलता है, स्टेप और सीरीज ऑफ ऑपरेशन है। पहले क्या होगा, डीबी राइटर सिग्नल देगा लॉग राइटर को, लॉग राइटर रीडू लॉग फाइल्स का लॉग बफर का डाटा रीडू लॉग फाइल्स में लिखेगा, फिर डीबी राइटर जो होता है वो डर्टी बफर्स को डाटा फाइल्स में लिखेगा, और उसके बाद उसका हेडर फाइल डाटा फाइल्स के हेडर फाइल को अपडेट करेगा जो करंट SCN नंबर होगा, that will be written in the headers of the log file and this information will also be written in the control file, aur uske baad jo unsa wo checkpoint complete ho gaya, to ye pura process hai. Ab checkpoint fire kab hota hai ye depend kar sakta hai different time to time events ke upar depend karta hai, like every 3 second you can fire checkpoint, ek kisam ki ye insurety hoti hai कि जब आपका चेक पॉइंट फायर होगा इट मींस नाउ योर डाटा फाइल्स आर फुली सिंक्रोनाइज्ड विद योर मेमोरी स्ट्रक्चर्स। तो अगर आपका सिस्टम क्रैश कर जाता है तो जिधर तक आपका चेक पॉइंट फायर हुआ होगा, कंप्लीट हुआ होगा, उधर तक आपको रिकवरी की जरूरत नहीं होगी, तो ये उसका पर्पज होता है। तो दैट इंफॉर्मेशन विल आल्सो बी रिटन इन द कंट्रोल फाइल। एक्सक्यूज मी सर, जी सर, कुछ है, लड़के कह रहे हैं कि हम येलो कर दें क्लास में, कर दिए। ओके सर, थैंक्स। अच्छा, अंडू सेगमेंट्स जो उनसे बिगिन एंड एंड ऑफ द अंडू सेगमेंट्स जो उनसे है उनकी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि सेगमेंट का भी हमने पढ़ना है नेक्स्ट उसमें आएगा, तो फिर आपको थोड़ा सा क्लियर ज्यादा क्लियर कंसेप्ट होगा कि व्हाट इज सेगमेंट, एंड क्योंकि एक सेगमेंट है आप एक टेबल बनाते हैं तो दैट विल बी कंसीडर एज अ सेगमेंट, क्योंकि ये आपका लॉजिकल यूनिट है, एंड ओरेकल विल एलोकेट द मेमोरी एलोकेट द स्पेस इन द फॉर्म ऑफ एक्सटेंड्स टू दैट सेगमेंट, तो वो होता है, तो इसलिए उसका स्टार्ट और एंड जो है वो लेके जाता है कि जी एक्सटेंड 3 से लेके तो 5 तक जो है वो इस सेगमेंट को एलोकेट किया गया, तो दैट इंफॉर्मेशन विल आल्सो बी स्टोर्ड इन द कंट्रोल फाइल। और फिर उसमें रीडू लॉग आर्काइव इंफॉर्मेशन, तो आर्काइव्ड इंफॉर्मेशन वो होती है कि अगर आप अपनी डेटाबेस को आर्काइव्ड मोड में ओपन करते हैं तो फिर क्या होगा कि हर रीडू लॉग ग्रुप जो सा होता है उसको रीड राइट करने से पहले आर्काइव्ड लॉग फाइल उसकी क्रिएट होगी, एंड दैट विल बी प्योरली यूज फॉर द बैकअप पर्पज, तो वो जो बाद में जो सा वो उसको बैकअप के लिए यूज करेगा। तो अब लेट्स सपोज आपका रीडू लॉग ग्रुप 1 है तो उसकी आर्काइव उसने बना ली 01, और जब 2 आया तो 2 की आर्काइव बना ली 2, और इस तरह वो जो है वो उसको राइट करता जाएगा, एंड दैट इंफॉर्मेशन विल आल्सो बी स्टोर्ड इन द कंट्रोल फाइल। तो लेटर ऑन अगर आप उसमें आर्काइव लॉग फाइल बनाने का फायदा ये है कि अब अगर आप कहते हैं कि जी मैंने लास्ट ईयर 2019 में दिसंबर 5 को 9 बजे से लेके 12 बजे तक जितनी ट्रांजेक्शन है मैंने वो जो ओल्ड उनका वो डाटा जो है वो रिकवर करना है, तो यू कैन डू दैट बाय यूजिंग दोज आर्काइव लॉग फाइल्स। तो अब उसको ओरेकल को कैसे पता चलेगा, ओरेकल सर्वर को, कि जब आप उसको टाइम स्टैम्प के साथ देंगे। अच्छा, रिकवरी मैंने आपको बताया था कि पहले भी के दो टाइप्स की होती है रिकवरी, एक होता है ऑटो रिकवरी
तो उसके लिए आपको कमांड देने की जरूरत नहीं होती। अगर आपका सिस्टम क्रैश कर जाता है और वो आपका इंस्टेंस मेमोरी स्ट्रक्चर्स आर नॉट फुली सिंक्रोनाइज्ड विद योर डेटा फाइल्स, तो जो सिस्टम मॉनिटर है इट विल स्टार्ट द ऑटो रिकवरी एट द नेक्स्ट स्टार्टअप ऑफ योर डेटाबेस। लेकिन ये कि एक होता है पॉइंट इन टाइम रिकवरी, तो उसके लिए यू हैव टू गिव अ प्रॉपर रिकवरी कमांड। तो आप रिकवरी कमांड देते हैं एंड यू मस्ट आल्सो हैव अ सम बैकअप पॉलिसी विद दैट फॉर दैट। तो उसके लिए आपके पास बैकअप होना चाहिए, जो आपने पहले बैकअप पॉलिसी बनाई होगी तो वो उसके ऊपर काम करेगा। तो अगर आप वो कहते हैं कि मैंने दिसंबर 5 वाला डाटा इस टाइम से इस टाइम तक जो उनसे वो रिकवर करना है, तो ओरेकल सर्वर देन विल डिटरमिन के दी फ्रॉम वेयर द डाटा विल बी रिकवर्ड, फ्रॉम विच आर्काइव लॉग फाइल द डाटा विल बी रिकवर्ड। तो दैट इंफॉर्मेशन विल आल्सो बी रिटन इन द कंट्रोल फाइल और बैकअप इंफॉर्मेशन। देखिए बैकअप के भी डिफरेंट कह लें कि पॉलिसीज होती हैं, फुल बैकअप होता है, इंक्रीमेंटल बैकअप होता है, टाइम स्टैम्प बैकअप होता है। खैर ये इसके ऊपर पूरा एक कह लें कि इसका मॉड्यूल है, जिस तरह हम ये पढ़ रहे हैं फंडामेंटल 1 है, फिर फंडामेंटल 2 है और फिर बैकअप एंड रिकवरी है एंड परफॉर्मेंस एंड ट्यूनिंग है। तो ये इसके 4 मॉड्यूल्स हैं, ठीक है। तो अब अगर आप ये 4 मॉड्यूल्स करते हैं तो देन यू कैन अपीयर इन द ओरेकल सर्टिफाइड प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन एसोसिएट OCA, Oracle Certified Associate और Oracle Certified Professional, दो सर्टिफिकेशन आप कर सकते हैं अगर आप ये चारों मॉड्यूल कर लेते हैं। तो हम भी कोशिश करेंगे कि अगर ये एक या एक से ज़्यादा जितना भी मैक्सिमम हो जाए इस कोर्स में हम अपना मॉड्यूल कवर कर लें। तो तो इसलिए आप बैकअप पॉलिसी बनाते हैं यदि आप कब कब अपना डेटाबेस का बैकअप लेंगे, तो दैट इंफॉर्मेशन विल आल्सो बी स्टोर्ड इन द कंट्रोल फाइल। तो वो जो आपका SCN नंबर होगा वो उसके अगेंस्ट जो उनसे वो आपके बैकअप को स्टोर करेगा। अच्छा कंट्रोल फाइल जो उनसे ना वो ओनली सिंगल कंट्रोल फाइल विल बी नीडेड बाय द ओरेकल सर्वर एट अ टाइम। लेकिन देखें जितना ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपकी कंट्रोल फाइल किसी वजह से डैमेज होगी, अनअवेलेबल होगी, मीडिया फेलियर हो गया, नेटवर्क फेलियर हो गया, अगर आपने रिमोटली कंट्रोल फाइल रखी हुई है तो कुछ भी हो सकता है, तो योर इमीडिएटली योर सर्वर विल बी आल्सो डाउन। तो देन फर्स्ट यू हैव टू रिकवर योर कंट्रोल फाइल एंड ओनली देन यू कैन ओपन द डेटाबेस। तो उसके लिए फिर ये होता है कि नॉर्मली फॉर ऑन द हैविंग द सेफ गार्ड you have to multiplex the control file, ठीक। तो आप more than one locations पे at a time Oracle server आपको 8 times multiplexing की facility देता है, आप 8 times उसको multiplex कर सकते हैं on different locations, ठीक है। तो किसी एक वजह से जब आप उसको multiplex करेंगे ना तो simultaneously the same contents will be written on the all multiplex control files, same contents at the same time, तो वो फिर उसमें write करना शुरू कर देगा। तो लेट्स सपोज इस तरह इधर दिखाया गया कि ये आपकी कंट्रोल फाइल डिस्क 1 के ऊपर ये कंट्रोल फाइल 1 पड़ी है, डिस्क 2 के ऊपर जो है ये कंट्रोल फाइल 2 पड़ी है। तो जब वो उसमें राइट करेगा द कंटेंट्स ऑफ द दीज टू फाइल्स विल बी द सेम, तो वो साइमल्टेनियसली इन दोनों फाइल्स के ऊपर जो है वो राइट करेगा जो भी इसके कंटेंट्स है, जो भी हमने पीछे पढ़ा है कि डेटाबेस का नाम है, कोई आप चेंज करते हैं, आप कोई डेटा फाइल की लोकेशन चेंज करते हैं, आपको डेटा फाइल एक और ऐड करते हैं, रीडू लॉग ग्रुप ऐड करते हैं, रीडू लॉग ग्रुप एक डिलीट करते हैं, तो आप कोई भी काम करते हैं तो दैट इंफॉर्मेशन विल आल्सो बी रिटन इन द कंट्रोल फाइल। तो अगर आपने उसको मल्टीप्लेक्स किया होगा तो वो जो है वो साइमल्टेनियसली ऑल द मल्टीप्लेक्स्ड कंट्रोल फाइल्स विल बी अपडेट। और अगर ये एक किसी कोई एक कंट्रोल फाइल डैमेज होगी तो ऑब्वियसली देन यू कैन रिकवर द डेटा फ्रॉम द अदर वन, तो वो आपकी सिक्योरिटी जो है वो सिक्योर हो जाता है आपका सर्वर। तो ये पर्पज होता है कंट्रोल फाइल को मल्टीप्लेक्स का। अच्छा अब इसमें देखें दो चीजें आ गई, पहले हमने पढ़ा आपको, मैंने बल्कि वो असाइनमेंट भी दी थी एज अ क्लास वर्क के जी SP फाइल और P फाइल का डिफरेंस, कि अगर SP फाइल होगी तो वाई वी नीड SP फाइल, तो वो होपफुली आप लोगों ने सबमिट करवा दी होगी और अगर आप लोगों ने पढ़ के उसको किया है तो देन होपफुली यू have a clear idea that what is the difference between SP file and the P file,
and what will be the difference when you will start your database using SP file and the P file. तो वो सारी चीजें आपको क्लियर होंगी. तो अब अगर ये देखें, अगर आप कंट्रोल फाइल को मल्टीप्लेक्स करना चाहते हैं तो उसके दो तरीके होते हैं. वन, एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग द डेटाबेस यू कैन गिव द लोकेशन एंड नेम ऑफ द कंट्रोल फाइल्स विच यू वांट टू मल्टीप्लेक्स. तो अगर आप थ्री टाइम मल्टीप्लेक्स करना चाहते हैं, फोर टाइम, तो जैसे मैंने बताया कि मैक्सिमम एट टाइम्स आप कंट्रोल फाइल को मल्टीप्लेक्स कर सकते हैं, तो आप जॉनसन एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग द डेटाबेस कर सकते हैं. और लेकिन ये है कि दूसरा ये होता है कि वंस यू हैव क्रिएटेड द डेटाबेस लेटर ऑन यू कैन आल्सो मल्टीप्लेक्स योर कंट्रोल फाइल. तो ये उसका तरीका बताया गया कि अगर आपने डेटाबेस क्रिएट कर ली है एंड नाउ यू वांट टू मल्टीप्लेक्स योर कंट्रोल फाइल, तो बाद में आपने डिसाइड किया कि आपको अपनी कंट्रोल फाइल को मल्टीप्लेक्स करना चाहिए. तो अगर तो आपने अपनी डेटाबेस को ओपन किया है बाय यूजिंग एसपी फाइल, तो उसका फिर ये उसके ये फोर स्टेप्स होंगे. फर्स्ट, यू विल गिव द अल्टर सिस्टम सेट कमांड विच विल एक्चुअली चेंज द कंटेंट्स ऑफ द एसपी फाइल. तो वो आपकी एसपी फाइल में ऐड कर देगी कि जी पहले आपकी सिर्फ एक ही कंट्रोल फाइल थी, अब आपकी दूसरी लोकेशन भी आपने दे दी है, ये तो आपने इसको कर दिया. तो इट विल ऐड दिस लोकेशन एंड नेम ऑफ द कंट्रोल फाइल इनटू योर एसपी फाइल, ये स्कोप उसने एसपी फाइल रखा है. फिर उसके बाद आप शट डाउन करेंगे डेटाबेस को, और फिर जो उनसे अब ये देखें, ये जो अल्टर सिस्टम की कमांड है, इट विल ओनली, इसको आपने थोड़ा सा समझने की कोशिश करी है, इट विल नॉट एक्चुअली क्रिएट द कंट्रोल फाइल. ये आपकी नई फाइल नई लोकेशन के ऊपर क्रिएट नहीं करेगी. इट विल ओनली चेंज द कंटेंट्स ऑफ द एसपी फाइल. तो ये सिर्फ आपकी एसपी फाइल में कंटेंट्स को चेंज करेगी, एक लोकेशन ऐड कर देगी. एक दो तीन जितने भी आप मल्टीप्लेक्स करना चाहते हैं, तो इन सारी लोकेशंस को वो जो होता है ना अल्टर सिस्टम की कमांड जो होता है वो ऐड कर देगी आपकी उसमें एसपी फाइल में. और फिर जो होता है उसको शट डाउन करने के बाद यू हैव टू क्रिएट द न्यू कंट्रोल फाइल फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वन ऑन अ न्यू लोकेशन बाय यूजिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड, जैसे ये सीपी की कमांड से. तो आप अपनी कंट्रोल फाइल को जो C1 कंट्रोल फाइल है, CTR01 है, वो आप CTR02 के नाम से नई लोकेशन के ऊपर एक कंट्रोल करेंगे एंड देन यू विल स्टार्ट अप योर डेटाबेस. तो अब जब आपका ओरेकल सर्वर स्टार्ट होगा, तो आपको पता है कि एट द टाइम ऑफ स्टार्टअप ओरेकल सर्वर विल रीड द एसपी फाइल. तो अब उसको एसपी फाइल के अंदर भी आपने न्यू लोकेशन पहले ही ऐड की हुई है और इधर आपने वो फाइल क्रिएट भी कर दी. तो इट मींस नाउ ओरेकल सर्वर नोज यू हैव मल्टीप्लेक्स द कंट्रोल फाइल. तो आप जब भी कोई भी चेंज होगी, जब भी वो रीड और राइट रीड करेगा अपने राइट करेगा कंट्रोल फाइल को, तो वो इन दोनों लोकेशंस पे जाके एट द साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम द सेम कंटेंट्स विल बी रिटन इन द बोथ फाइल्स. तो ये ओरेकल सर्वर ऑटोमेटिकली फिर करेगा. तो ये हो गया. तो अब दूसरा तरीका जो उनसे वो है कि अगर आपने एस पी फाइल की बजाय पी फाइल के थ्रू जो उनसे वो अपना डेटाबेस को ओपन किया हुआ है, तो उसके लिए फिर ये हो गया, ये तरीका हो गया कि फर्स्ट यू हैव टू शट डाउन द डेटाबेस, क्योंकि पी फाइल आपको पता है कि वो टेक्स्ट फाइल है, तो दैट इज नॉट डायरेक्टली अपडेट और रिटर्न बाय द ओरेकल सर्वर. तो पहले आप उसको शट डाउन करेंगे, फिर आप ऑपरेटिंग सिस्टम की कमांड यूज करते हुए अपनी कंट्रोल फाइल को क्रिएट करेंगे एंड देन यू विल चेंज द कंटेंट्स ऑफ द पी फाइल मैन्युअली बिकॉज दिस इज अ टेक्स्ट फाइल. तो ये टेक्स्ट फाइल है, तो आप अपनी पी फाइल को ओपन करके तो उसको नई लोकेशन जो है उसमें ऐड करेंगे एंड देन यू विल स्टार्ट योर डेटाबेस. तो अब ये देखें, अपन स्टार्ट करेंगे, तो अब आपने नई लोकेशन पे फाइल क्रिएट भी कर दी और पी फाइल के अंदर उसकी लोकेशन भी दे दी. तो जब आप स्टार्ट करेंगे तो ओरेकल सर्वर विल रीड द पी फाइल एंड ऑब्वियसली नाउ ओरेकल सर्वर नोज दैट यू हैव अ मल्टीप्लेक्स्ड टू कंट्रोल फाइल और वो उसको कह लेंगे टेक अप करेगा. तो ये उसमें डिफरेंस आ जाता है. अच्छा, ये सर बच्चे कह रहे हैं अलाउ कर दे. अच्छा यार, बच्चे भी तो आधा घंटा हो गया, एक घंटे का लेक्चर है, तो आधे घंटे बाद आने का क्या पर्पस है. अच्छा जी, तो मैनेजिंग कंट्रोल फाइल विद ओएमएफ. अब ये देखें, ये इम्पोर्टेंट है. ओएमएफ जो है, ओएमएफ
आप कैसे फॉलो करते हैं। तो ये सिंपल सी बात है कि ये हमने उस वक्त भी कहा था कि इफ यू विल सेट द पैरामीटर ऑफ दिस वन db create online redo log dest n, n का मतलब है कि n 1 2 3 कितनी लोकेशन पे है। तो अगर आपने ये दो db create online log dest 1 और db create online log dest 2 तो ये आपने वैल्यूज दे दी। वैल्यूज का मतलब कि आपने लोकेशन दे दी इधर, तो इसका मतलब ये है कि नाउ यू आर मैनेजिंग योर कंट्रोल फाइल यूजिंग omf। तो फिर आपको ये जिस तरह हम इधर दे रहे हैं तो ये आपको ये इधर cp create, तो ये आपको लोकेशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे इधर आपने कंट्रोल फाइल में ये पूरी लोकेशन दी हुई है तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो आपकी omf के थ्रू जो है वो लोकेशन ले लेगा, ठीक है। तो फिर कभी भी आप उसको मल्टीप्लेक्स करते हैं, उसको रीड करते हैं, उसको यूज करते हैं, तो ऑल द टाइम नो नीड टू गिव द कंप्लीट लोकेशन ऑफ योर कंट्रोल फाइल। तो वो ऑटोमेटिकली वो उधर से उसको पता है कि नहीं आपने मल्टीप्लेक्स किया हुआ है। अच्छा, मल्टीप्लेक्स करने के भी ये जो है कि अगर आपने ये पैरामीटर सेट किया तो आपने मल्टीप्लेक्स ओएमएफ के थ्रू जो है वो मैनेज कर रहे हैं आप अपनी फाइल को। अगर आपने ये वाला पैरामीटर नहीं किया तो फिर वो db create data file dest जो है वो उधर से लोकेशन ले लेगा कंट्रोल फाइल की। अगर आपने वो वैल्यू भी नहीं सेट की हुई तो देन इट सिंपली इट मींस यू आर नॉट यूजिंग omf टू मैनेज योर कंट्रोल फाइल। तो व्हेन देन यू हैव टू गिव द कंप्लीट लोकेशन एंड पाथ एंड नेम ऑफ द कंट्रोल फाइल व्हेन व्हाइल यू वांट टू एक्सेस दैट फाइल। तो फिर आपको कंप्लीट पाथ देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप पाथ फिर नहीं देंगे तो वो आपने मल्टीप्लेक्स भी नहीं किया हुआ तो वो आपको एरर देगा कि कंट्रोल फाइल कैन नॉट बी फाउंड और नेम्स आर यूनिकली जनरेटेड बाय डिस्प्लेड इन द अलर्ट लॉग फाइल। हाँ जी, अब अगर आपने ओएमएफ के थ्रू किया हुआ है तो फिर आपको कंट्रोल फाइल का नाम भी देने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ वो दे देंगे कंट्रोल फाइल का लोकेशन दे देंगे और वो जो है अगर आपने ये डेस्ट वन और डेस्ट टू दो लोकेशन आपने दे दी तो वो कंट्रोल फाइल को ऑटोमेटिकली फिर मल्टीप्लेक्स कर देगा उधर दो लोकेशन के ऊपर, ठीक है। और द नेम्स विल आल्सो बी गिवन बाय द ओरेकल सर्वर टू दोज फाइल्स। तो वो जो है ऑटो जनरेटेड नेम उनको दे देगा। और अब अगर आप देखना चाहते हैं कि आपकी जो कंट्रोल फाइल है उसके उसने नाम क्या रखे हैं, ठीक है, तो यू कैन फाइंड दोज नेम्स इन द अलर्ट सीड लॉट लॉग फाइल। तो अलर्ट लॉग फाइल के अंदर जो है वो उसके नाम राइट कर देगा। तो ये हमने पहले भी कहा था कि जो इसका सिंपलेस्ट वे है कि ऑल द एक्टिविटीज विल बी ट्रैक्ड इन द अलर्ट लॉग फाइल ऑफ द ओरेकल सर्वर। तो वो उसके अंदर जो है वो ट्रैक करते हैं, तो ये फ्रिक्वेंटली जो आपको रीड करनी चाहिए। इसको भी हम इस पे भी करेंगे। तो अब ये सिंपली बात है कि यू कैन ऑल्सो क्यूरी द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंट्रोल फाइल। तो उसके लिए वी डॉलर साइन ये आपका डायनामिक परफॉर्मेंस व्यू है। इट विल कंट्रोल फाइल इट विल लिस्ट द नेम्स एंड स्टेटस ऑफ द ऑल कंट्रोल फाइल एसोसिएटेड विद द इंस्टेंस और वी डॉलर साइन पैरामीटर स्टेटस और लोकेशन ऑफ ऑल द पैरामीटर और कंट्रोल फाइल रिकॉर्ड सेक्शन प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द कंट्रोल फाइल रिकॉर्ड के डिफरेंट जो उसमें कंट्रोल फाइल के जो रिकॉर्ड हैं उनकी इंफॉर्मेशन आपने लेनी है। शो पैरामीटर कंट्रोल फाइल इज द नेम स्टेटस लोकेशन ऑफ द कंट्रोल फाइल। तो ये सारे जो है ये आपके डेटा डिक्शनरी व्यूज एंड डायनामिक परफॉर्मेंस व्यूज हैं जो फ्रॉम वेयर यू कैन गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द कंट्रोल फाइल्स कि वो आपने कितनी जगह मल्टीप्लेक्स की हुई है। अगर आप नए आते हैं आप देखना चाहते हैं कि आपकी कंट्रोल फाइल मल्टीप्लेक्स है या नहीं है तो आप वी डॉलर साइन पैरामीटर को क्यूरी कर सकते हैं, वी डॉलर साइन कंट्रोल फाइल को कर सकते हैं। और अगर आप इट सेल्फ कंट्रोल फाइल से इंफॉर्मेशन लेके आना चाहते हैं तो कंट्रोल फाइल रिकॉर्ड सेक्शन। और लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि ये जो आपकी है डायनामिक परफॉर्मेंस व्यूज है ये भी आपके रन टाइम के ऊपर इंफॉर्मेशन जो है वो फेच करते हैं फ्रॉम योर मेमोरी एंड द कंट्रोल फाइल। तो वो कंट्रोल फाइल से इंफॉर्मेशन लेके आते हैं। लेट्स सपोज आप कहते हैं जी कि आप अपनी डेटा फाइल्स के नेम और लोकेशन देखना चाहते हैं, ठीक है, तो v_v_dollar_sign_ डेटा फाइल्स आप क्यूरी करते हैं तो वो किधर से इंफॉर्मेशन लेके आएगा कि आपकी कंट्रोल फाइल कितनी आपकी डेटा फाइल्स कौन कौन सी लोकेशंस पे हैं। तो वो आपकी कंट्रोल फाइल से इंफॉर्मेशन लेके आएगा डायनामिक परफॉर्मेंस व्यू। तो इस तरह आप जो है वो डायनामिक परफॉर्मेंस व्यू जो है ना वो रन टाइम के ऊपर आपके मेमोरी स्ट्रक्चर से और कंट्रोल फाइल से इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करेंगे। ये है समरी
और